हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम गुरु नीति के 18 एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, एफ एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स पावर एन होल बार 1 बाई एन। यहाँ एक्स पॉजिटिव है और आपको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये कंपोजिशन है दोनों में एफ ऑफ एफ एक्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए अपन लोग एफ ऑफ एफ एक्स ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे x की जगह fx पुट करना है तो ऐसे बन जाएगा 2 माइनस fx और उसकी पावर n, ठीक है भाई, और उसकी होल पावर 1 बाई n। अब इसमें fx का वैल्यू पुट कर दो फिर से, तो ये बन गया 2 माइनस, हाँ जी ध्यान दीजिएगा देखिए उसकी पावर n। यहाँ ये fx की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 2 माइनस x पावर n टू द पावर 1 बाई n, और हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसकी पावर 1 बाई एन करोगे तो एन और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस एक्स पावर एन से मल्टीप्लाई होके बनेगा एक्स पावर एन और उसकी पावर 1 बाई एन है, यहाँ पे सॉरी करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया अपना एक्स, और इसी तरह से ये क्या बन गया 1 बाई एक्स और उसका करना मुझे स्क्वायर, और इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो जब x पॉजिटिव हो तो उस केस में आप सब लोगों को पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स की रेंज होती है 2 से लेके इनफिनिटी तक, यानी कि इसका ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 2। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 4 इसका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा। सो राइट आंसर आपका सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या है हमारे लिए। एक फंक्शन गिवन है आपको fx equal to cos inverse under root log step x mod x upon x, where step stand for ga function, और gx function आपको गिवन है then g of fx equal to, कि g of fx इसके equal होगा। तो देखें पहले अपन fx की बात करते हैं, तो fx की डोमेन में देखें आप, सिंपल सी बात है g of fx के डिफाइन के लिए fx का जो आउटपुट है वो g की डोमेन में इनबिल्ट होना चाहिए, और सिंपल सी बात है जो जीएक्स फंक्शन है वो आपका एक नॉर्मल फंक्शन है तो इसकी डोमेन तो आर है, ठीक है। तो देखो इसके इनपुट की बात करते हैं कि एफएक्स का इनपुट क्या हो सकता है, क्योंकि उस जो एफएक्स का इनपुट होगा उसके रिगार्डिंग जी ऑफ एफएक्स का आपका इनपुट होगा। तो देखो सिंपल सी बात यह है इसमें कि लॉग के अंदर बेस है इसका स्टेप एक्स, तो लॉग के बेस की कंडीशन स्टेप एक्स एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंडीशन लिखोगे बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है स्टेप आपका इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू 0 से ग्रेटर, इसका मीनिंग कि स्टेप एक्स आपका 1 और 1 से ग्रेटर, बट आपने लिखा है कि स्टेप एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो अगेन आ गया स्टेप एक्स आपका 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर जस्ट इंटीजर क्या लोगे 2 और 2 से ग्रेटर, मतलब डोमेन इसकी बेस की कंडीशन होगी स्टेप एक्स आपका 2 और 2 से ग्रेटर, इसका मीनिंग एक्स आपका बेटा 2 से इनफिनिटी होना चाहिए, और जब x आपका 2 से इनफिनिटी है मतलब x पॉजिटिव है तो देन mod x upon x is 1, और log 1 0 तो cos inverse 0 की वैल्यू क्या होगी बोलो पाई बाई 2। तो इसके रिगार्डिंग जो fx फंक्शन है वो आपका एग्जैक्ट क्या आ गया बोलो पाई बाई 2 है। अब जब ये f of पाई बाई 2 है आपका तो क्वेश्चन क्या आ गया g of पाई बाई 2, fx आपका पाई बाई 2 तो g of पाई बाई 2 की वैल्यू के लिए sin पाई बाई 2 1, पाई बाई 2 का स्टेप इज 1 तो 4 और 1 5, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा बेटा 5 होगा। हां वैसे भी देखो ये कांस्टेंट आ गया था तो ये पाई बाई 2 आ रहा है तो रिजल्ट तो कांस्टेंट ही आया, सो द ओनली ऑप्शन इज 4। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द फंक्शन एफ सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7। तो मुझे एफ ऑफ 7 निकालना है, यहाँ मुझे एफ ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक्स की जगह 7 ही पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा देखो 3 एफ ऑफ 7 प्लस 2 टाइम एफ ऑफ, यहाँ अगर आप 7 पुट करो देखो 59 7 हो गया 66 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 11, सामने ये हो गया पूरा 100। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई मेरे पास एफ ऑफ 11, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं वापस इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 11 डाल देता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3 एफ ऑफ 11 प्लस 2 टाइम एफ ऑफ, यहाँ 11 डाल के कैलकुलेट करो देखो आपको मिलेगा 7, और सामने हो गया 11 इंटू 10 प्लस 30 1 4 0। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है,
ठीक है, दोनों में दो अननोन है मेरे पास, एफ ऑफ सेवन और एफ ऑफ इलेवन, तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एफ ऑफ इलेवन की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, मतलब एफ ऑफ इलेवन को एलिमिनेट कर देते हैं, देखिए कितना आएगा, थ्री एफ ऑफ सेवन प्लस टू इज इक्वल टू, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ से एफ ऑफ इलेवन की निकालो, यहाँ पुट करते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगी 140 माइनस टू टाइम एफ ऑफ सेवन डिवाइडेड बाय थ्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 9 एफ ऑफ सेवन माइनस के 4 एफ ऑफ सेवन, तो ये हो गया 5 एफ ऑफ सेवन। इधर ये होगा 280 और ये हो गया 320, तो सामने रहेगा 20। तो कुल मिला के एफ ऑफ सेवन की वैल्यू हो गई बच्चों 44। चलिए तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है एनसीआर की फॉर्मेट में, तो देन आपको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखें, जब भी फंक्शन आपको एनसीआर की फॉर्मेट में गिवन हो और उसकी रेंज को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसकी डोमेन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग अपन उसकी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एनसीआर की कंडीशन क्या होगी, कि एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कि एन आपका वन और वन से ग्रेटर, बट कंडीशन है कि सिक्स एन और आर बोथ आर इंटीजर, तो नेचुरल इंटीजर है आपका, तो एक्स भी आपका क्या होना चाहिए बोलो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एक्स आपका होगा बेटा पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं आई प्लस, ठीक है। तो देखो एनसीआर की कंडीशन कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन वन, तो इससे आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसकी बात करोगे तो ये भी क्या होना चाहिए, 2x माइनस वन, इसमें ये वैल्यू जीरो हो सकती है, सॉरी 15। उसके बाद इससे होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वेशन नंबर सेकंड, और नेक्स्ट कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस करने पे देखो क्या आएगा, 16 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये आ गया 3x लेस देन इक्वल टू 17, देन x लेस देन इक्वल टू 17 बाय 3। तो ये फर्स्ट एनसीआर के डिफाइन होने की कंडीशन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू r। सिमिलरली जब इसकी बात करोगे तो इसमें लिखना है 20 माइनस 3x अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ गया 3x लेस देन इक्वल टू 19, देन x 19 बाय 3 से लेस, इक्वेशन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5 बाय 4, इक्वेशन नंबर 5। और लास्टली n ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 3x is greater than equal to 4x minus 5, तो 7x less than equal to 25, then x less than equal to होगा 25 by 7। ये total 6 condition है, इन सबका लोगे आप intersection, क्योंकि all conditions are defined simultaneously, तो आपको first, second up to 6 का क्या लेना है बोलो, intersection। तो number line draw करें, तो first पे point है आपका 15, सेकेंड पे पॉइंट क्या है 1 बाय 2, थर्ड पे 17 बाय 3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 19 बाय 3 का मीनिंग 6 पॉइंट के आसपास, तो एक काम करते हैं इसको कर देते हैं 19 बाय 3 और इधर ले लेते हैं अपन 15, और उसके बाद 5 बाय 4 का मीनिंग 1 के आसपास, तो ये आ गया 5 बाय 4 और ये है 25 बाय 7 इज 3 पॉइंट्स, तो ये आ गया इधर 25 बाय 7। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का मीनिंग है x आपका 15 से लेस, तो दिस पार्ट लोगे आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड के अकॉर्डिंग हाफ से ग्रेटर, तो दिस पार्ट होगा, थर्ड के अकॉर्डिंग 17 बाय 3 से लेस, तो दिस पार्ट अगेन 19 बाय 3 से लेस, तो लेफ्ट पार्ट आ गया, और एक होगा 25 बाय 7 से लेस, तो 25 बाय 7 आपका ये था, तो इससे लेस लोगे आप, तो दिस पार्ट आ गया ना, तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लोगे और एक बोला गया 5 बाय 4 से ग्रेटर, तो 5 बाय 4 से ग्रेटर दिस पार्ट, तो इन सिक्स पार्ट का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये इसका कॉमन पार्ट आ गया, तो
तो ये क्या हो गया, x belongs to 5 by 4 से 17 by 3. बट इसके अंदर आपको लेना है n, आपका इंटीजर होना चाहिए. तो इसके बिटवीन कौन कौन से इंटीजर होंगे, एक तो 2 होगा और एक इंटीजर कौन सा होगा बोलो, ये 25/7 था इधर, 25/7. तो एक इंटीजर 2 होगा और एक इंटीजर होगा आपका 3. तो x की 2 इनपुट है, मतलब इसकी रेंज में, सॉरी डोमेन में 2 एलिमेंट है. तो करस्पोंडिंग जब एलिमेंट को पुट करोगे तो इसकी रेंज में 2 आउटपुट्स होंगे जिनकी वैल्यू होगी बेटा f(2 and f(3). तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देन बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. हां जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या द रेंज ऑफ द फंक्शन 2 mod sin x minus 3 mod cos x. ठीक है, डोमेन इसका r. यहां जो एक गौर करने वाली बात है बच्चों, वो क्या है कि इसका फंक्शन का पीरियड क्या होगा, स्टूडेंट का इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, यानी 0 से पाई में जो वैल्यू आएगी वही बार बार रिपीट होनी है. तो हमें पूरा डोमेन सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम 0 से पाई में डिस्कस कर लेते हैं, वहीं पे अपने को रेंज मिल जाएगी इसकी. अब 0 से पाई के भी दो पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. यानी 0 से पाई बाय 2 में डिस्कस करेंगे एक बार, पाई बाय 2 से पाई में डिस्कस करेंगे. देखो 0 से पाई बाय 2 में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं तो ये ऐसे बन जाएगा, fx बराबर, दोनों पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, आपको मिलेगा 2 sin x माइनस 3 cos x. ओके, और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 2 cos x और प्लस 3 sin x. अब 0 से पाई बाय 2 में cos x sin x दोनों पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव. ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि फंक्शन जो है अपना वो कैसा है, इंक्रीजिंग. So f is increasing, correct. तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 0 पे, और मैक्सिमम आएगी पाई बाय 2 पे. यानी इस केस में रेंज हो जाएगी f ऑफ 0 से लेके f ऑफ पाई बाय 2. अच्छा वही देखो आएगा क्या, f ऑफ 0, इसमें 0 पुट करोगे माइनस 3 आ जाना, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर से मिलेगा आपको 2. तो माइनस 3 से 2 तक आना है. अब यहाँ आ जाते हैं. अच्छा देखो, वैसे इसको ना सिंपलीफाई करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएं ऐसे तो आप पाएंगे कि इस फंक्शन में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं पाई बाय 2 माइनस x तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा, सॉरी, पाई बाय 2 माइनस x नहीं, पाई माइनस x से रिप्लेस कर, मतलब f ऑफ x बराबर है f ऑफ पाई माइनस x, करेक्ट. और जब f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ 2a माइनस x के, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन है ना वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन x इक्वल टू a. मतलब मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर ऐसा दिया हुआ हो आपको तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, अबाउट x इक्वल टू a. अब यहाँ fx बराबर f ऑफ पाई माइनस x है तो सीधे सीधे पाई बाय 2 वाली लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. तो जैसे मान लो कि 0 से पाई बाय 2 में इसका ग्राफ माइनस 3 से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है. तो अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो आगे यही ग्राफ यूं आना, तो डेफिनेटली इस पार्ट की रेंज भी क्या आएगी, माइनस 3 से 2 ही आएगी, और ये फंक्शन आगे अपने आप से रिपीट करता रहेगा, तो यही इसकी फाइनल रेंज होगी, हर जगह माइनस 3 से 2 के बीच में आएगा. सो द राइट आंसर इज 1. चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए ऑब्टेन फ्रॉम दी डोमेन ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब एक फंक्शन है एफ ऑफ ए, उससे जो इसकी डोमेन है फॉर विच दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन दिस पार्ट लाइज बिटवीन दी माइनस 2 एंड 1. इसका मीनिंग क्या है कि इस एफ ऑफ ए फंक्शन की जो डोमेन है उससे जो ए की वैल्यू होंगी उन वैल्यूज को जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो रूट्स आपके माइनस 2 से 1 के बिटवीन लाइज करते हैं. तो आपको चेक करना है कि ए की वो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है. तो देखो कैसे करना है, तो पहले डोमेन की कंडीशन यूज करोगे तो रूट की कंडीशन क्या होगी कि रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देन 2a स्क्वायर माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a कॉमन लोगे तो आ गया 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 0 पे 0 है, ये 1/2 पे, अपन को पता है प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पावर दोनों की ऑड है. तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग पॉजिटिव पार्ट. तो डोमेन की कंडीशन होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन
हाफ से इंफिनिटी, ठीक है, ये फंक्शन एफ ऑफ ए की डोमेन की कंडीशन है। अब क्या करना अपन को, क्वेश्चन में बोला गया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन दी रूट्स माइनस टू से वन, तो इसमें यूज करना अपन को लोकेशन ऑफ रूट। तो देखें लोकेशन ऑफ रूट में क्या करना है कि इस, हाँ, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, उसका मतलब इसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला ऐसे। और क्या बोला गया बाद में कि जो रूट्स है वो माइनस टू से वन के बिटवीन है, इसका मीनिंग माइनस टू इधर लाई करेगा और वन आपका इधर की तरफ लाई करेगा। तो इसके रिगार्डिंग देखो क्या करना है, ये फंक्शन एफ ऑफ, इसको अपन फंक्शन लेट कर देते हैं जी ऑफ एक्स की, लेट इज जी ऑफ एक्स है आपका क्वाड्रेटिक पार्ट। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, टू के माइनस टू के रेस्पेक्ट में जी ऑफ माइनस टू की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। इसमें लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन यूज करो, तो एक जी ऑफ माइनस टू पॉजिटिव करना है, तो चलो एक्स को पुट करो माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, इधर माइनस टू लोगे तो माइनस टू ए माइनस टू और ये होगा प्लस ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस टू ए और ए, ए होगा उधर लेस देन फोर, ये आ गया ए लेस देन वन, ठीक है। उसके बाद वन के रिगार्डिंग भी जी ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो अगेन लिखना है जी ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो। तो g ऑफ 1 में जब x को 1 पुट करोगे तो क्या आ गया, देखो a और a 2a और ये 1 1 से 1 कैंसिल, तो 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा a ग्रेटर देन माइनस के हाफ। ये लेट इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं इसको इक्वेशन सेकंड। उसके बाद अगर इसके बोथ रूट्स आपके माइनस 2 से 1 में हैं, तो जो रूट्स है देखो उस डायग्राम को अपन इस वे में भी ले सकते हैं कि बोथ रूट्स आपके अनइक्वल भी हो सकते हैं, बोथ रूट्स आपके इक्वल भी हो सकते हैं, तो देन आप थर्ड कंडीशन यूज करोगे इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा बेटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इससे होगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4a माइनस 2a प्लस 1, इससे प्लस वन और माइनस प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसकी फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो इसका डी बेटा नेगेटिव है और स्क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका डी ऑलवेज बेटा पॉजिटिव होगा, तो ये इनइक्विटी आपकी ऑलवेज होल्ड होगी। फिर एक कंडीशन और यूज करोगे कि इसका जो वर्टेक्स का एक्सपोनेंट है वो लाइज बिटवीन माइनस टू से वन, मतलब माइनस के बी अपॉन टू ए लाइज बिटवीन माइनस टू से वन, माइनस, तो माइनस बी अपॉन टू ए लाइज बिटवीन माइनस टू से वन। चलो इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें बी और ए की, तो बी का मीनिंग तो क्या है ए प्लस वन और ए का मीनिंग क्या है इसमें वन, तो चलो देखें माइनस टू अपॉन में ओनली टू होगा, तो देखो टू को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर माइनस ए प्लस वन, तो देखो माइनस ए माइनस वन, तो माइनस वन को जब अपन राइट में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो क्या होगा माइनस थ्री और ये आ गया प्लस के थ्री, तो देन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे अगेन आ गया माइनस थ्री से थ्री, मतलब ए आपका माइनस थ्री से थ्री। अब आपको क्या करना है, ऑल फोर पार्ट का लेना है इंटरसेक्शन, तो देखो ये बोल रहा माइनस थ्री से थ्री, ए आपका वन से लेस है और ए माइनस वन से ग्रेटर है, तो वन से लेस और हाफ से लेस, तो हाफ से वन होगा, और चलो लिख लेते हैं इसको, एक जीरो है एक वन बाई टू लेना अपन को, एक माइनस थ्री लेना अपन को, सबका कॉमन पार्ट एक थ्री है और एक आपका माइनस के हाफ। तो देखो एक इक्वेशन बोलती है अपन से ए आपका माइनस थ्री से थ्री के बिटवीन है, तो दिस पार्ट फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग है जीरो से लेस और हाफ से ग्रेटर, तो दिस पार्ट ए कंडीशन का मीनिंग है ए आपका वन से लेस है, तो ये वन से लेस दिस पार्ट हो गया। एक कंडीशन का मीनिंग है माइनस हाफ से ग्रेटर, तो माइनस हाफ से ग्रेटर दिस, तो टोटल कंडीशन कितनी थी एक दो थ्री फोर एंड फाइव, तो इन सब का जब कॉमन पार्ट लोगे तो एक कॉमन पार्ट तो आ गया दिस पार्ट फोर कंडीशन का और एक कॉमन पार्ट आ गया दिस पार्ट, मतलब ए बिलोंग्स टू क्या होगा बोलो माइनस हाफ से जीरो और माइनस हाफ पे कैसा ब्रैकेट होगा ओपन ब्रैकेट और जीरो पे लगाना है क्लोज ब्रैकेट, यूनियन हाफ से वन, हाफ पे भी क्या होगा क्लोज ब्रैकेट और
वन पे यूज करना अपन को ओपन ब्रैकेट, मतलब एक ही वैल्यू जब जिस इंटरवल में आप लेट करोगे तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन -2 to 1। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, -0.5 से 0.5 से 1, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। fx equals to under root of mod x minus fraction part x, और इसका डोमेन और रेंज है कैपिटल x और कैपिटल y, वो मुझे कैलकुलेट करने हैं, फिर इससे कंपेयर करना, फिर a का c का b का वैल्यू बताना, फिर ऐड कर लेना, ये जो भी है कुल मिलाकर डोमेन और रेंज निकालने हैं। आइए शुरू करते हैं ना डोमेन से और रेंज से। तो इसका डोमेन की बात कर लेते हैं पहले। तो भैया ये तब डिफाइन होगा जब मॉड एक्स का वैल्यू मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट, यानी कि मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राफ से कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट नजर आ जाएंगे सॉल्यूशन, सीधी सी बात है ना। तो दोनों ही ग्राफ बहुत बेसिक कर्व के ग्राफ है, तो आई होप सबको पता ही होंगे। तो y equals to fraction part x का ग्राफ ऐसा होता है, देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे का। ये y equal to x वाली लाइन और इसी के पैरेलल लाइन सी, ठीक है, वन स्लोप की लाइन से सारी। y equal to mod x का ग्राफ इस तरफ तो होता है y equal to x, इधर होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये इसका ग्राफ है मॉड एक्स का। मैं चाहता हूँ मॉड एक्स बड़ा हो या बराबर हो फ्रैक्शन पार्ट एक्स से, तो एक्स की वो वैल्यू देखो जहां मॉड एक्स का ग्राफ फ्रैक्शन पार्ट एक्स के ग्राफ के या तो ऊपर हो या बराबर हो। देखिए यहाँ पे बराबर है पूरा, उसके बाद ऊपर ही है, तो ये पूरा पार्ट डोमेन हो गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity, तो हम सारा ले सकते हैं। इसमें हमेशा मॉड एक्स फ्रैक्शन पार्ट एक्स से बड़ा ही आएगा। इस तरफ आप देखोगे कि ये पॉइंट पकड़ो, ठीक है, ये y बराबर माइनस एक्स है, ठीक है, और ये y बराबर एक्स प्लस वन। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे दिस विल बी हाफ, सिमेट्री से भी दिख जाएगा आपको माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से जीरो के बीच में गड़बड़ हो रही है ना, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट ऊपर निकल रहा है, तो इसको छोड़ दो। इसके इधर जितना भी है देखिए सब में बॉक्स, ये मॉड एक्स ही ऊपर है, ये सारे नीचे फ्रैक्शन पार्ट, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा भाई, x belongs to इधर आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, तो ये अपना डोमेन हो गया ये वाला और ये। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहां से, तो सीधी सी बात है कि a का वैल्यू तो आ रहा है माइनस हाफ और भाई c का वैल्यू आ रहा है जीरो। ये कहानी हम एक बार यहीं खत्म करते हैं, अब रेंज की बात करेंगे। तो ये मिटा रहा हूं मैं, दो पार्ट आए थे, एक तो आया था माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, एक आया था जीरो से। तो पहले बात करता हूँ कि जो एक्स का वैल्यू होगा माइनस इंफिनिटी से जीरो वाला ले लेते हैं पहले, आसान रहेगा थोड़ा। तो ऐसे में मेरे पास एफ एक्स क्या बन जाएगा, x पॉजिटिव है तो मॉड x हो गया x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यानी कि ये सीधे सीधे हो गया अंडर रूट बॉक्स ऑफ x। और आप जानते हैं कि इस रेंज में बॉक्स x की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये बन गया क्या हो गया, इट बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के अंडर रूट इंक्लूडिंग 0। ये पार्ट याद आता है, अब बात करते हैं हम, देखो ये ही इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ में क्या होगा। इस पोर्शन की बात करूं तो एफ एक्स क्या बन जाएगा अपना, अंडर रूट माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ओके आगे बढ़ दें, फ्रैक्शन पार्ट को एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। अब ये फंक्शन जो है, तो बॉक्स एक्स हो गया तो मुझे इसको इंटीजर इंटीजर पे तोड़ के देखना पड़ेगा कि किस इंटीजर में ये क्या फंक्शन बनता है।
तो माइनस हाफ से पीछे की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो पहला पार्ट में लेता हूं, जब एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन से माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो ये फंक्शन क्या बनेगा? ऐसे में देखो बॉक्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, तो वो यहां पुट कर दे अगर हम, तो मुझे मिलेगा अंडर रूट माइनस वन से माइनस वन माइनस टू एक्स। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं उसका साथ साथ, जीरो ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, इतने में समझ में आ जाएगी बात, और ये माइनस हाफ, इसका ग्राफ बना, ठीक है? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लीनियर टर्म है, तो आप समझ सकते हैं कि सेमी पैराबोला होगा। और इस पर अब आप यहां देखिए, इफ यू पुट x इक्वल टू माइनस वन यहां पुट करते हैं, देन यू गॉट वन वन, यहां पे पॉइंट आ रहे थे, और माइनस हाफ पुट कर देना यहां पे, देन यू गॉट जीरो। तो जीरो से इस तरह का ग्राफ ही होगा। सेकेंड पोर्शन करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं जब x का वैल्यू है माइनस टू से माइनस वन के बीच में, तो ऐसे में अपना फंक्शन हो गया अंडर रूट, ये वैल्यू माइनस टू बन जाएगी, माइनस टू माइनस टू माइनस टू एक्स। किस समय ग्राफ कैसा होगा देखिए, माइनस टू डालिए यहाँ पे, तो ये हो गया फोर माइनस टू रूट टू, तो माइनस टू पे रूट टू वैल्यू आएगी, ये वन था भाई याद रखना, इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं ये रूट टू, और माइनस वन पुट करोगे यहाँ पे, देन इट विल बिकम जीरो जीरो। तो यहां से लेके जीरो तक आएगा, नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, ये ग्राफ होगा इसका। तीसरा पोर्शन और देखते हैं, देखिए माइनस थ्री से माइनस टू, इस समय ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस थ्री माइनस टू एक्स, व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डाल दीजिए माइनस थ्री, तो ये कितना हो गया भाई सिक्स माइनस थ्री थ्री रूट थ्री आ रहा है, रूट थ्री माइनस थ्री पे वैल्यू आएगी इसकी रूट थ्री, इस रूट टू से थोड़ा ऊपर, माइनस टू पुट करोगे तो ये हो गया फोर माइनस थ्री यानी कि वन वन, तो इसकी वैल्यू आएगी वन, यानी कि यहाँ पे नहीं, और ये पोर्शन आएगा ये, एंड सो ऑन। तो आप देखिए ऐसे बार बार हमें पोर्शन मिलते रहेंगे, आगे भी यहां से जो पोर्शन स्टार्ट होगा इसके बीच में से कहीं से स्टार्ट होकर ऐसे ऊपर तक जाएगा, तो अगर इन सब का यूनियन लेंगे हम, तो हमको देखिए मिनिमम वैल्यू इस रेंज में क्या मिल गई, यहाँ पे जीरो से लेके वन तक मिला, फिर जीरो से लेके रूट टू तक मिला, फिर वन से रूट थ्री तक मिला, तो सबको अगर ऐड करते जाऊंगा तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इधर आ जाएगा, यानी इस पोर्शन की रेंज है जीरो से इंफिनिटी। ये वाली जो रेंज है देखो, ये सारी की सारी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो रही है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही इसकी रेंज होगी। अब इसको कंपेयर करूं मैं तो बी का वैल्यू भी जीरो जीरो है, ठीक है? आपसे पूछा क्या गया था भाई, बी माइनस ए प्लस सी, तो ये तो जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, माइनस ए का वैल्यू, तो आपका आंसर हो गया सेकंड। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये, नेक्स्ट सवाल पे चलो। दी रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x माइनस स्टेप x अपॉन वन माइनस स्टेप x प्लस x। देखो किस टाइप से करना चाहिए इस क्वेश्चन को, अभी इसको देखोगे तो इसकी जो रेंज है वो x पे और स्टेप x बोथ पे क्या करती है डिपेंड, तो अपन उसको ट्राई करते हैं सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की। तो देखो आपको पता होगा कि x माइनस स्टेप x को अपन ले सकते हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिमिलरली अपॉन में देखो वन प्लस, इसको आप ऐसे ले सकते हो वन प्लस एक्स माइनस स्टेप एक्स, तो अगेन बन गया बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इतना करने के बाद देखो अब इसकी जो रेंज है वो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे डिपेंड करती है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है न्यूमेटर में प्रेजेंट है और डिनोमेटर में, तो अपन इसको ओनली वन साइड ट्राई करते हैं। तो देखें इसमें क्या करो आप, इधर आ रहा वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो इसमें प्लस वन ऐड करो और वन सेपरेट करो, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो बेटा ये तो आ गया वन, और माइनस वन अपॉन वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब इसकी जो रेंज है एफएक्स की वो ओनली डिपेंड करती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे, बिल्कुल, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो अपन को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखो लेस देन वन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन वन, मतलब इसकी वैल्यू जीरो से वन के बिटवीन अपन को पुट करनी है, इसका जो रेंज है वो क्या होगी जीरो से ओपन वन। तो देखें जरा वो एफ एक्स की वैल्यू अगर अपन को चाहिए मिनिमम, तो कॉन्स्टेंट माइनस मैक्सिम करोगे तो आंसर क्या होगा मिनिमम, और ये मैक्सिम कब होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये आ गया वन माइनस वन इज जीरो, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो, और जीरो पे लगाना क्लोज क्योंकि जीरो कब आया जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को जीरो पुट किया था। अब एफ एक्स की मैक्सिम के लिए वन माइनस मिनिमम और ये मिनिमम कब होगा वन अपॉन मैक्सिमम, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे आप वन, तो वन अपॉन हाफ हाफ,
तो माइनस हाफ तो ये आ गया 1/2। 1/2 पे क्या लगाना, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की मैक्सिमम वैल्यू आपने पुट की है 1, तो 1 आपका ओपन ब्रैकेट में है, तो fx की जो रेंज होगी 0 से 1/2, तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन सही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। द ग्राफ ऑफ y + fx इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x = 1 एंड x = 2। ओके, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक जगह इसको यूज किया था, आपको फिर से समझा दूं कि x = a इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो फंक्शन में प्रॉपर्टी लगती है ये वाली कि आप इसको लिख सकते हो f of a + x = f of a - x। और इसी में देखो, इसी में बच्चों अगर तुम x की जगह डाल दो a - x तो ये बन जाएगा f of 2a - x = f of x। तो आपको सवाल में ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, इन दोनों का ही मीनिंग यही है कि x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। अब इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ इम्पोज कर देता हूँ, x इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो मैं अगर यहां से लिखूं तो मुझे मिलेगा कि f ऑफ x बराबर होना चाहिए, a का वैल्यू 1 डालो, f ऑफ 2a - x ये मैंने लगा दी x इक्वल टू 1 के, x इक्वल टू 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इसमें मैं ये वाली लगा देता हूं, देखो तो ये बन जाएगा f ऑफ 2 + x = f of 2 - x। ये मैंने इसलिए लगाई कि देखो यहां पे मुझे 2 - x मिल रहा था और इस प्रॉपर्टी से मुझे डायरेक्ट यहां भी 2 - x मिल गया, कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा fx बराबर f ऑफ 2 + x, तो ये रिलेशन होगा थर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दी डोमेन ऑफ fx इज 0 से 1, फंक्शन fx की डोमेन गिवन है 0 से 1, मतलब ये इस x का इनपुट है, देन देयरफॉर डोमेन f ऑफ e की पावर x + f ऑफ log mod x इज, मतलब आपको दिस फंक्शन लेट hx की डोमेन को फाइंड आउट करना है। देखो क्या मेथड है इसका, f की डोमेन आपकी 0 से 1 है, तो सिंपल सी बात ये कि f ऑफ ex है, तो ex का जो आउटपुट है वो क्या होगा f की डोमेन, तो जो ex का आउटपुट है वो क्या होना चाहिए 0 से 1, तो आप इसको लिख दें कि e की पावर x लाइज बिटवीन 0 से 1, जब e की पावर x आपका 0 से 1 होगा तो ये fx की डोमेन के इक्विवेलेंट होगा, तो इस e को दर्शित करोगे तो log e वेज 0 क्या होगा -∞, और ये आ गया x log e वेज 1 0, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी कि जब x -∞ से 0 लोगे देन उस केस में इस f की डोमेन क्या होगी 0 से 1। सिमिलरली f ऑफ दिस पार्ट की डोमेन के लिए क्या करना है कि अगेन f की डोमेन 0 से 1 है, मतलब जो log ऑफ mod x है इसका भी आउटपुट क्या होना चाहिए बोलो 0 से 1, तो अगेन लेकिन log ऑफ e बेस mod x lies between 0 to 1, e की पावर 0 1 होगा mod x, और इधर आ गया e की पावर 1 e, mod x आपका 1 से e है, तो एक शॉर्टकट याद रखें कि mod x की वैल्यू अगर a to b है तो देन x आपका क्या होगा -b - a यूनियन a to b, mod x आपको गिवन है लेट a to b, तो देन x की वैल्यू क्या लगते हैं बोलो -b - a यूनियन a to b, तो इसको यूज करोगे आप तो इससे क्या होगा x belongs to -e - 1 यूनियन 1 से e, तो इस सेकेंड पार्ट का मीनिंग क्या है कि x का इनपुट जब दिस पार्ट लोगे उस केस में इसका आउटपुट होगा 0 से 1 जो इस f की डोमेन के इक्विवेलेंट होगा। अब आपको fx plus f of this part की फाइनल डोमेन चाहिए, तो क्या करना है फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन, तो ये कह रहा है 0 से लेस तो दिस पार्ट, तो ये तो 0 से ग्रेटर है, इसको तो रिमूव करो, तो इन दोनों का जब कॉमन लोगे तो वो कॉमन क्या होगा -e - 1, तो फर्स्ट और सेकेंड का बेटा जो इंटरसेक्शन होगा x belongs to -e - 1, तो x को जब -e - 1 इसमें पुट करोगे तो उस केस में इन दोनों का जो आउटपुट है f के अंदर वाले पार्ट का ये 0 से 1 होगा, तो fx आपका डिफाइन होगा, मतलब इसकी hx की डोमेन होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चलो जिस तरह से ऑप्शन बने हुए हैं ना, मतलब जिस तरह से ऑप्शन यही खत्म हो सकता है ना, यहाँ से मुझे मिला कि x शुड बी नेगेटिव और इसमें 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 जो पॉजिटिव आ रहा है x, इसका मतलब ये तो आंसर होंगे नहीं, तो 4 में से 3 कट गए तो बच गया सिर्फ ये, यही आंसर है। वैसे कई बार ऑप्शन देख लेने से भी हमारा टाइम सेव हो सकता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं देखो अगले सवाल पे. 31 if this did this then period of f of 3x. चलिए आइए ये भी बड़ा मजेदार सवाल है. इस तरह के सवाल किए भी होंगे आप लोगों ने. f of 3x plus 2 is equal to minus f of 3x plus 29. तो इसमें यही टेक्निक होती है कि भाई ये 29 है और ये 2 है तो इनका डिफरेंस कितना 27. मतलब 27 के डिफरेंस में मेरे को चीजें दी गई. तो आप क्या करो इसमें 3x को रिप्लेस कर दो 3x plus 27 से. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा f of 3x plus 2 is equal to minus f of कितना हो गया भाई 3x. अच्छा मैं 27 डाला ना 29 ये हो गया प्लस के कितना हो गया 976 और 56. अब देखिए ये वैल्यू को और ये वैल्यू को दोनों सेम है तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो मुझे मिलेगा f of 3x plus 2 equal to f of 3x plus 56. इसमें काम करो 3x को फिर से रिप्लेस कर दो 3x minus 2 से तो आपको मिला f of 3x is equal to f of 3x plus 54. तो यहाँ से देखने पर ऐसा लग सकता है कि इस फंक्शन का पीरियड होना चाहिए 54 बट ये करेक्ट आंसर नहीं. कैसे भाई हमें किस फंक्शन का पीरियड निकालना है इसका f of 3x का. थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि इसको मैं लिख देता हूँ ये gx है तो इससे मुझे gx का पीरियड निकालना है करेक्ट. अब इसको ध्यान से देखो ये टर्म तो हो गई gx और ये टर्म क्या है क्या ये gx plus 54 है तो कतई नहीं है क्योंकि अगर मैं x plus 54 यहां डालूंगा तो मुझे यहां x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा x plus 54 तो फिर फाइनल रिजल्ट ये नहीं आएगा. ये क्या देखो यहाँ से तीन कॉमन ले लोगे तो x plus 18 है यानी ये जो टर्म है दैट इज g x plus 18 है ना. यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए g x plus 18 is equal to f of 3x plus 18 आ गया f of 3x plus 54. तो अब इस पर ध्यान दीजिए और बताइए g x का पीरियड कितना होना चाहिए 18. सो 4 विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दी डोमेन ऑफ दी फंक्शन fx दिस पार्ट. एक फंक्शन गिवन है इसकी अपन को डोमेन कैलकुलेट करनी है. देखो क्या करना है कि जब भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करना है तो उस फंक्शन के डिफाइन होने की कंडीशंस को यूज करना है. तो देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें यूज करोगे क्या कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो. फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि x plus 2 का जो स्टेप है बॉक्स वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो. अब देखो स्टेप के अंदर अगर इंटीजर पार्ट है तो इसको अपन डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं. तो क्या आ गया स्टेप x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 देन स्टेप x नॉट इक्वल टू माइनस 2. तो देखो स्टेप की वैल्यू माइनस 2 कब हो सकती है जब x आपका माइनस 2 से माइनस 1 के बिटवीन होगा. तो इसके अकॉर्डिंग आ गया x इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस 2 से माइनस 1 ओपन ब्रैकेट. तो x को दिस पार्ट लोगे तो उस केस में स्टेप x क्या होगा माइनस 2. तो ये आपको नॉट डिफाइन आ जाएगा. मतलब आंसर में अगर दिस पार्ट इनबिल्ट है तो बाद में इसको रिमूव करना अपन को. नेक्स्ट कंडीशन क्या है e की डोमेन r है तो ओनली साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी कि साइन इनवर्स के अंदर वाला पार्ट है वो आपका माइनस 1 टू 1 होना चाहिए. तो देन आप लिखोगे साइन इनवर्स के अंदर वाला पार्ट क्या है स्टेप के अंदर x plus 2 upon 3 दिस पार्ट लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3. अगेन इसमें स्टेप के अंदर से 2 को बाहर ले सकते हैं तो स्टेप x प्लस 2 और ये राइट साइड में अगेन जब सब में माइनस 2 सबट्रैक्ट करोगे तो आ गया माइनस 5 स्टेप x और दिस पार्ट होगा बेटा 1. इसमें देखो क्या करना है स्टेप x की वैल्यू माइनस 5 से ग्रेटर और 1 से लेस है तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आंसर आने वाला है. सिंपल सी बात यह है इसमें कि माइनस 5 से जब लेस वैल्यू लोगे तो उसका स्टेप क्या बन जाएगा माइनस 6. तो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग तो इसमें जो वैल्यू वो क्या होगी माइनस 5 या माइनस 5 से ग्रेटर तो उसका स्टेप क्या होगा या तो माइनस 5 या माइनस 4 या अप टू 1. और राइट साइड में की बात करोगे तो स्टेप एक्स की वैल्यू 1 और 1 से लेस तो सिंपल सी बात है कि जब एक्स को आप 2 से लेस लोगे तो उसका स्टेप भी क्या था बोलो 1. तो ये आ जाएगा 2 से लेस. तो ये होगी सेकेंड कंडीशन. अब आपको ये इसका फाइनल आंसर है बट कंडीशन क्या है कि x आपका -2 से -1 नहीं हो सकता तो दिस पार्ट में से जब इसको एक्सक्लूड करोगे
तो इसकी डोमेन होगी x belongs to माइनस फाइव से माइनस टू, अपन को माइनस टू को रिमूव करना है तो माइनस टू पे यूज करोगे ओपन ब्रैकेट, यूनियन माइनस टू से आपको माइनस वन तक हटाना है, तो फिर ये जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, माइनस फाइव से माइनस टू, यूनियन माइनस वन से ग्रेटर पार्ट, और माइनस वन को अपन को इंक्लूड करना है तो माइनस वन से क्या जाएगा बेटा टू तक आ जाएगा आपका, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका डायरेक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके आओ देखिए इसको ना, पहले तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन एक्स इक्वल टू वन माइनस, ऐसे लिखने से बेनिफिट ये है कि दोनों तरफ जो टर्म है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री हो गई एक तरफ एलजेब्रा हो गया, और मैं ग्राफ बना दूंगा और ग्राफ से मुझे पता लग जाएगा कितनी बार इंटरसेक्ट करने। इसमें यह भी ध्यान देना है कि कितनी सी दूर की बात करनी है अपने को, जब x का वैल्यू इस रेंज में माइनस टू पाई से जीरो, यूनियन जीरो से टू पाई, तो आगे तो ग्राफ बनाते हैं। अगर हम साइन एक्स की बात करें तो ये साइन एक्स का ग्राफ होगा भाई टू पाई, इधर पीछे आ जाओ, ये माइनस टू पाई तक की कहानी, ये पॉइंट काम का है। क्या है ये पॉइंट, पाई बाई टू कॉमा वन, ठीक है, तो ये है पाई बाई टू कॉमा वन। चलिए इसका ग्राफ खत्म। अब y बराबर वन बाई एक्स सब लोग जानते हैं, y बराबर वन बाई एक्स का मतलब हो गया एक्स वाई बराबर वन, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ऐसे वाला, इस पॉइंट वन वन से पास होता है। वन वन पॉइंट देखो यहाँ का है, ये पाई बाई टू कॉमा वन है तो इसके नीचे होगा, सॉरी एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट तो है, हाँ इसको मिटाने का कुछ है सिस्टम नहीं है, चलो रहने दो, ठीक है, यहाँ कहीं आपको मिलेगा ये वन वन पॉइंट ऐसे, ओके। तो ये जो ग्राफ अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा वो ये ऐसे पास आउट होगा, दोनों ही कर्व देखो ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो जैसा सिचुएशन इधर बन रहा है वैसा का वैसा ही इधर भी बन रहा है, ओके बस काम खत्म हो गया। तो ये दो बार इधर कट करेंगे, दो बार इधर कट करेंगे, तो टोटल मिला के चार वैल्यू ऐसी होगी एक्स की जहां पर ये दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर सही हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, फोर रूट आएंगे इस इक्वेशन के। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है, इदी नंबर ऑफ बाइजेक्ट फंक्शन, बाइजेक्ट का मतलब 1 1 ऑन 2, f आपका a टू a में डिफाइन है और a में 3 एलिमेंट है 1 2 3 such that f of 1 को not equal to 3, मतलब f of 1 को 3 let नहीं करना है, f of 2 not equal to 1 and f of 3 not equal to 2, तो देन देखो कि अपन कितने फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन आपका a टू a में डिफाइन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी क्या बोलो 1 2 3, तो देखो फर्स्ट केस क्या लेट कर सकते हैं, f of 1 not equal to 3 बोला गया, अपन इससे स्टार्ट करते हैं, f of 1 not equal to 3 है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो 1 की मैपिंग है वो या तो 1 से होगी या 2 से, तो क्या लिखो कि f of 1 या तो 1 हो सकता है या f of 1 आपका 2 हो सकता है। चलो अपन फर्स्ट केस अराइज करते हैं कि f of 1 को आपने 2 से मैच किया, अब बाद में बोला गया कि f of 2 not equal to 1, तो f of 2 not equal to 1 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना अपन को, जो f of 2 है वो या तो 2 होगा या f of 2 आपका बेटा 3 लेट कर सकते हैं। तो देखो अब आपने f of 1 को 1 लिया और f of 2 को 2 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको 1 1 on 2 लेना है तो f of 3 क्या होना चाहिए, 3, बट क्वेश्चन में f of 3 not equal to 2 बोला गया, मतलब ये मैपिंग आपकी पॉसिबल हो सकती है। एक तो अगर आप f of 2 को 3 लेते हो, f of 1 को 1, तो इसके अकॉर्डिंग f of 3 आपका क्या होगा 1 1 on 2 के लिए 2, बट क्वेश्चन में f of 3 को 2 नहीं लेना है तो ये मैपिंग आपकी रॉन्ग होगी। तो f of 1 को 1 लोगे तो उसके रिगार्डिंग एक मैपिंग 3 हो सकती है, तो एक फंक्शन दिस पार्ट होगा। f of 1 अगर आपका 2 है तो देखो इसमें क्या करना है, f of 1 2 है तो देखो f of 2 को आपको 1 नहीं लेना, तो इसमें क्या लिखोगे, या तो f of 2 आपका 2 हो सकता है या फिर f of 2 आपका 3 हो सकता है, बट जब आपने f of 1 को 3 ले लिया तो f of 2 को 2 ले नहीं सकते अपन, क्योंकि फंक्शन आपका
मिनिमल होगा, तो एफ ऑफ वन टू है, एफ ऑफ टू आपका थ्री है, तो बेटा एफ ऑफ थ्री ले सकते हैं अपन बोलो वन। तो एक मैपिंग आपकी ये होगी जिसमें ओनली टू फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जैसे मान लो अभी जैसे इसमें ऐसे चार हो, वन टू थ्री फोर, फिर ये लेंथ ही हो जाता है ना, फिर लेंथ ही हो जाता है। लेकिन देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी, की भी वो मैं जो वो ज्यादा में भी लग जाएगा है ना, इसको ध्यान से देखूं मैं तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ये वन तो थ्री से मैच नहीं होना चाहिए, टू जो है वो वन से मैच नहीं होना चाहिए, और थ्री जो है वो टू से मैच नहीं होना चाहिए है ना। और अच्छी बात ये कि सेपरेट सेपरेट है ना, तो ऐसे समझ लो कि ये जैसे लेटर है मेरे पास, तीन लेटर हैं और ये तीन एनवेलप्स हैं, तीन लेटर को तीन एनवेलप में डालना है, और ये पर्टिकुलर लेटर इस पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो याद आ रहा है कौन से कॉन्सेप्ट को ले जा रहा हूँ, डी अरेंजमेंट। मतलब बेसिकली ये क्या है, डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट है ना। तो उसका फॉर्मूला लगा दे अगर, तो ये भी आ जाएगा आपके पास टू आंसर। तीन ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट के दो ही तरीके होते हैं, ऐसे चार में भी हो तो फिर डी फोर लगा सकते हैं, पांच में हो तो डी फाइव लगा सकते हैं, तो पीएनसी भी इसमें यूज की जा सकती है ऐसे। चलो खैर नए सवाल पे चलते हैं, 34 क्या है, 35 क्या है। निम्न में से कौन से फलों के युग्म समान है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन। ओके, कोई दो फंक्शन आइडेंटिकल हो उसके लिए क्या जरूरी है, पहली बात एक तो डेफिनेशन सेम होनी चाहिए, दूसरी डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए। डेफिनेशन सेम होने का मतलब भले वो अलग अलग दिखाई दे रहे हो लेकिन हर पॉइंट पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि डेफिनेशन तो सेम ही दिख रही है सबकी है ना, इसको भी अगर मिक्स कर दोगे मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी यही बन जाएगा, इधर ये ई और लॉग कट के ये ई पावर एक्स आ जाने, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स वन ही होता है, और ये भी अगर हम बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसको डिनोमीटर में ले जाके लिखें तो इसमें तब्दील हो जाना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेन देखना पड़ेगा मुझे, डोमेन इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे लिखा गया है। जैसे जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है ये तब डिफाइन हो सकता है जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन से बड़ा, करेक्ट। ये कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा हो और एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा हो, और दोनों बातों में अगर आप कॉमन चीज ढूंढेंगे तो वो मिलेगा आपको ये कि एक्स बड़ा होना चाहिए वन से। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको सॉल्व करो तो एक्स का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, यानी कि ये फंक्शन तो डिफाइन हो जाएगा मेरा अगर मैं माइनस वन से छोटी वैल्यू लूँ, आप इसमें माइनस टू डालोगे तो डिफाइन होगा वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें माइनस टू डालोगे तो ये टर्म डिफाइन नहीं होगी। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों फंक्शन जो है वो अलग अलग, इसका डोमेन ये है एफ का, जी का डोमेन केवल ये। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें देखिए डोमेन निकालिए, इसमें e पावर समथिंग तो ये हमेशा डिफाइन होगा, लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग में e की पावर x जो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो इसका डोमेन है r, इसका भी r ही है, और ये e और log कैंसिल आउट होकर ये भी e पावर x बनेगा, मतलब ये सही आंसर है। ओके, मल्टीपल चॉइस का, मल्टीपल चॉइस है ये क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा हाँ करेक्ट करने की जरूरत है। sec square x minus tan square x 1 होता है लेकिन तब होता है जब डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर x का वैल्यू pi by 2 ले लूँ तो आप इसमें pi by 2 डालोगे तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, f of pi by 2 tan pi by 2 डिफाइन नहीं होता है ना, तो दिस इज नॉट डिफाइन। लेकिन इसमें pi by 2 की वैल्यू डालोगे तो वो तो 1 आनी है क्योंकि ये तो हर हाल में 1 है, दैट्स ऑल। तो ये pi by 2 पे दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन भी इक्वल आइडेंटिकल नहीं है। ये बनी जाएगा इसमें डोमेन की बात करोगे तो अगर इसको यहां से देख के डोमेन की कंडीशन लगाएं तो चूंकि x बेस में है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, ये इसका डोमेन होगा। इसको देखेंगे तो यहाँ x log का इनपुट है तो x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात log x डिनोमिनेटर में है इसका मतलब log x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू वन, सेम डोमेन आ रहा है दोनों का, डेफिनेशन तो सेम है ही, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो सेकेंड और फोर्थ दोनों इसके करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, आपको fx एक फंक्शन गिवन है r प्लस से r में, एंड gx एक फंक्शन है आपका 1 2 से 1 2 में, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, और gx है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1,
फ्रैक्शनल पार्ट आपको जी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला गया, तो देन आपको चेक करना है कि f ऑफ gx इज डिफाइंड, मतलब देन इट्स डोमेन है कि f ऑफ gx जिस पार्ट में डिफाइन है उस केस में इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। देखो कैसे करना है, फंक्शन क्या है, लेट hx इक्वल टू f ऑफ gx। तो देखो hx की डोमेन के लिए क्या कंडीशन होगी कि hx की जो डोमेन है वो क्या होगी, इस x का इनपुट, बट कंडीशन यूज करोगे कि gx का जो आउटपुट है वो f की क्या होनी चाहिए डोमेन, उस केस में hx का इनपुट डिफाइन होगा। तो देखो f का जो इनपुट है वो आपको r प्लस बोला गया है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग gx फंक्शन है आपका फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस का, gx गिवन है आपको 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो सिंपल सी बात ये है कि जब gx का इनपुट आप 1 से 2 लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट तो क्या होगा बोलो, 0 से 1, 1 और 2 पे 0 और उसके बिटवीन 0 से 1। तो gx की जो रेंज है वो क्या होगी, 1 ऐड कर दो उसमें, तो इसकी रेंज होगी बेटा 1 से ओपन ब्रैकेट 2। तो gx की रेंज आपकी 1 से 2 है, तो आपको ये देखना है कि gx का आउटपुट f की डोमेन में इनबिल्ट होना चाहिए और f की डोमेन बोली गई है आपको r प्लस, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन है आपका fx ln की कंडीशन क्या कि ln के अंदर वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इस क्वार्टिक का d नेगेटिव है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यस इसकी डोमेन r हो सकती है, बट क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी डोमेन अपन को r प्लस सेलेक्ट करनी है। तो हां gx का जो आउटपुट है वो इस f की डोमेन में इनबिल्ट है, तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो तो क्या होगी बोलो, 1 से 2। तो hx की डोमेन तो होगी बेटा 1 से 2। अब अपन इसकी बात करते हैं रेंज की, तो सिंपल सी बात ये है कि hx की जो रेंज है वो कैसे फाइंड आउट करोगे कि gx का जो आउटपुट है वो f का इनपुट होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको hx का आउटपुट मिलेगा। तो देखो जो और fx की जो रेंज की फाइंड आउट के लिए क्या करोगे, इसका इनपुट अपन क्या ले सकते हैं, ओनली 1 से 2, क्योंकि gx का जो आउटपुट है वो f में इनपुट की तरह बिहेव करने वाला है। तो देखो इधर आओ, ये जो अंदर वाला पार्ट है लेट इसको y लेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इसकी जो रफली डायग्राम की बात करोगे आप, तो देखो ये अपवर्ड पैराबोला है और इसका डी नेगेटिव है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका जो वर्टेक्स है उसका एक्स क्वांटिटी होगा माइनस के बी बाई 2 है, मतलब 1/2, मतलब इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा यू, और 1/2 के अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी दिस पार्ट होगी। बट अपने क्वेश्चन में जो एच एक्स है उसमें जी एक्स का जो आउटपुट है 1 से 2 में, मतलब वो एफ के इनपुट में होगा, तो 1 आपका इधर होगा और 2 आपका इधर होगा, तो 1 के अकॉर्डिंग जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी देखो, तो एक्स को 1 पुट करोगे एल एन 2, मतलब इस एफ एक्स का जो आउटपुट है वो होगा एल एन 2, और 2 पुट करोगे तो देन इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 2 पुट करने पे एल एन 4 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि एच एक्स का इनपुट 1 से 2 लोगे तो जी एक्स का आउटपुट आपका 1 से 2 है, और 1 से 2 इनपुट होगा एफ एक्स का, तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स का जो आउटपुट है वो क्या आया था बोलो, एल एन 2 से एल एन 4, तो इसकी रेंज होगी लॉग 2 से लॉग 4, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, माइनस 1 से 1 डोमेन है, 3 से 5 रेंज है, एक ऑन टू फंक्शन मुझे बनाना है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब सीधा सा बच्चों कि fx बराबर हो गया ax प्लस b, ठीक है, इन अनदर वर्ड y बराबर हो गया ax प्लस b, सीधी सी बात है जी, लाइन हो गई, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, ऐसी लाइन जिसमें x का वैल्यू क्या लें, x का वैल्यू लें माइनस 1 से 1 तो y का वैल्यू आ जाए 3 से 5, राइट। लाइन है तो दो तरह की हो सकती है, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, पॉजिटिव स्लोप की होगी या नेगेटिव स्लोप की, अगर बढ़ती हुई हुई पॉजिटिव स्लोप की हुई तो क्या होगा कि जब x का वैल्यू माइनस 1 लोगे तो y का वैल्यू 3 होगा, और जब x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन बन सकती है। देखिए कि अगर नेगेटिव स्लोप की लाइन है, डिक्रीज करे वैल्यू, तो शुरू में जब माइनस 1 लेंगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम यानी 5 आएगा, और जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन हो सकती है। टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, यहां से देखिए स्लोप देखो, अगर मैं 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 1 हो गया 2,
तो स्लोप हो गया वन, तो वन स्लोप की लाइन y बराबर x यहां से पास होती है, तो x का वैल्यू 1 डालने पे y का वैल्यू 4 आना चाहिए, प्लस का सॉरी 5 आना चाहिए प्लस, तो ये एक फंक्शन हो गया अपना fx बराबर x प्लस 4। एक पॉसिबिलिटी और जो यहां से आएगी, यहां से स्लोप निकालो, देखो माइनस 1 आ रहा है, तो लाइन हो गई y बराबर माइनस x और x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू आना चाहिए 3। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया fx बराबर 4 माइनस x। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा जो माइनस हाफ डालने पर फंक्शन का वैल्यू 7/2 आएगा। देखो यहां माइनस हाफ डालो, 4 माइनस हाफ कितना होगा 7/2 है ना, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। इधर आ जाइए, इसको देखो f इनवर्स को उठा के इधर लगा लो, तो आपको मिला कि f ऑफ 1/4 का वैल्यू क्या 15/4 आएगा। तो चेक कर लो किसी में भी पुट करके, किससे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना, 1/4 डालेंगे 16 - 1/4 करके, तो ये भी सही हो। f ऑफ 0 4 नहीं होगा, अब देखिए इसमें 0 पुट करोगे 4 आएगा, इसमें 0 पुट करोगे 4 आएगा, तो दोनों से ही f ऑफ 0 तो 4 ही आएगा, वो गलत हो गया। f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ माइनस हाफ का वैल्यू 8 आएगा क्या। अब ये देखो, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं ठीक है, तो भाई f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, हाफ प्लस 4 और माइनस हाफ प्लस 4 ये कैंसिल आउट हो गए, 8 आपका आंसर हो गया। ये दोगे तो इससे भी 8 ही आएगा राइट, तो ये तो दोनों फंक्शन के लिए वैलिड है, तो आंसर हो गया फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कॉलम मैचिंग हुई, आपको कॉलम उनको कॉलम टू से मैच करना है, ऑप्शन में आपको 1-1 मेनी 1 ऑन टू चेक करना है, ये बताना बस। तो देखो इसका पी पार्ट क्या है कि फंक्शन आपका f 0 से पाई बाय 3 से 0 से 1 में डिफाइन, मतलब ये इसकी डोमेन बोली गई है, इसकी कोडोमेन, और फंक्शन है आपका रूट sin x। तो देखो 0 से पाई बाय 3 का मतलब 0 से 60 में जो sin x है वो फंक्शन कैसा होगा इंटीजर, तो देखो 0 पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और sin पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी 1√3/2 मतलब रूट ऑफ रूट थ्री बाई टू। सिंपल सी बात यह है कि 0 से पाई बाई 3 में मतलब 0 से 60 में साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो रूट साइन एक्स भी आपका इंक्रीज होगा, बट जो आउटपुट है वो क्या होगा 0 से लेके रूट थ्री बाई टू का अंडर रूट, मतलब वो जो रेंज है इसकी एफ एक्स की वो को डोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका 1-1 है बट इंटू होगा, मतलब इसका 1-1 इंटू मतलब ए और सी ऑप्शन आपको फिल करना है। फिर क्यू पार्ट की बात करोगे तो फंक्शन आपका 1-∞ से 1-∞ डिफाइन है, मतलब डोमेन 1-∞ है और को डोमेन आपको अगेन 1-∞ गिवन है, और एफ एक्स आपको गिवन है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, तो आपको उसको चेक करना 1-1 इंटू। तो देखो एक ऑप्शन तो क्या है कि सिंपल ऑप्शन ये कि इस फंक्शन का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब भी आपको डोमेन अगर फिक्स गिवन है आपको, तो वेट ऑप्शन है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो और उसमें चेक करो कि डोमेन की कंप्लीट वैल्यू के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या कंप्लीटली डिक्रीजिंग तो 100% वो क्या होगा 1-1, अदरवाइज वो फंक्शन मेनी 1 होगा। तो चलो अपन इसका फटाफट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसका एवरेज x क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज -4 डिवाइडेड बाय x न्यूमरेटर, हां, और ये होगा x + 3 और इसका आगे 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो x x कैंसिल तो ये आ गया -k4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो f डैश x इसका ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन आपका f डैश x नेगेटिव है, तो f x कैसा फंक्शन होगा बोलो, इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है कंप्लीटली इस डोमेन में, तो 100% क्या होगा 1-1, एक तो इसका ए ऑप्शन फिल करना है। अब देखो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम इनपुट पे आंसर, इनपुट मिनिमम पे मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम पे मिनिमम होगी, तो जब आप 1 से जस्ट ग्रेटर पुट करोगे तो 4 अपॉन पॉजिटिव 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो x कॉमन लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है 1, मतलब 1 पे वैल्यू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है, मतलब इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्विवेलेंट है, तो ये फंक्शन क्या होगा बोलो 1-2, तो इसका ए एंड डी ऑप्शन होगा। अब सर आप बताओ, जी रिमूव करो, हां इसको हटा देते हैं, आओ दो r पे आते हैं।
ये तो बहुत आसान है ना, साइन एक्स डायग्राम, साइन एक्स को ऐसे देख लीजिए, डायग्राम पकड़ लीजिए, माइनस पाई बाई टू यहाँ कहीं ले लेते हैं, प्लस पाई बाई टू लोग कहाँ तक जाना, पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू ये क्वेश्चन होगा। तो अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो दो बार कट कर रही है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर एक से ज्यादा बार काटती है तो सीधी सा मतलब है कि ग्राफ कैसा होगा, मैनी वन। तो ये मैनी वन होगा। अब इसकी रेंज देखिए, माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है पाई बाई टू पे वन, तो माइनस वन से वन तक सारी वैल्यू अचीव करेगा, और यही अपने को कोडोमेन दिया हुआ है, रेंज कोडोमेन बराबर है, फंक्शन हो गया कौन, आंसर हो गया बी और डी। नेक्स्ट आता है वो टू से इनफाइनाइट, एट से इनफाइनाइट, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये फंक्शन है, आपको बताना है ऑन टू इनटू ये सब। थोड़ा सिंपलीफाई कर दें इसको, ऐसे लिखने की देख के पता लग जाए चीजें, नहीं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर है माइनस फोर प्लस फोर कर देता हूँ, yes. और सेपरेट करूंगा तो ये एक्स प्लस टू प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस, ऐसा बन जाए। एक और काम कर देते लगे हाथ ही, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स माइनस टू प्लस फोर, तो ये एक्स प्लस टू हो गया, और ये टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हैंडल करना ईजी हो जाएगा, देखो तो पहले तो बात करूंगे जैसे डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर निकालू तो बड़ी आसानी से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, वन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो नीचे हो गया, उधर ले जाओगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, x माइनस टू माइनस टू यानी कि x माइनस फोर, और x माइनस टू प्लस टू यानी कि x, ये नंबर लाइन, ये जीरो, ये फोर, और प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बीच में ये टू है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए अपने को फंक्शन लेना है टू से इंफिनिटी, तो टू के आगे ही बात करनी है, तो टू से आगे अगर हम देखें तो टू से फोर में इसके डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है, और फिर फोर के बाद में पॉजिटिव है, तो इससे ये साबित होता है कि फंक्शन टू से लेके फोर तक तो डिक्रीज करेगा, फोर तक, और फोर के बाद फिर ये इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, अगर अपने डोमेन में डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है तो वो क्या होता है, मैनी वन। तो ये क्लियर हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरह का ग्राफ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कब आएगी भाई, फोर पे, राइट right? तो x का वैल्यू इसमें आप 4 पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ये हो गया 16 और ये 2 तो 8 आ गया, तो ये तो हो गई वैल्यू इसकी 8। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस एंड पे आएगी या इस एंड पे आएगी, और भाई ये एंड देखो, ये एंड कहाँ है अपने पास, 2 पे है, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें 2 पुट कर, दैट विल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी 2 आते आते ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो रेंज होगी इसकी 8 से इनफिनिटी इंक्लूडिंग 8, यही कोडोमेन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कैसा हो गया, ऑन, यानी आंसर सही है आपका बी और डी। एक बार फिर से तो ये था डिस्कशन 18th एपिसोड में फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक का, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।